बॉलीवुड में आज तमाम अभिनेत्रियां ऐसी हैं जो शादी के बाद भी इंडस्ट्री में सक्रिय हैं। हालांकि एक वक्त ऐसा भी था जब शादी करने को एक्ट्रेस के करियर के खत्म होने का संकेत माना जाता था। उस दौर में माधुरी दीक्षित ने वो करिश्मा करके दिखाया था जिसकी लोगों को उम्मीद भी नहीं थी। माधुरी दीक्षित ने शादी की और शादी के बाद सिनेमा जगत में लौट आई। वो सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में वापस नहीं आई बल्कि उन्होंने अच्छी फिल्में भी हिंदी सिनेमा को दी। 15 मई को माधुरी अपना 53वां जन्मदिन मना रही हैं। आज वे अपने पति श्रीराम नेने के साथ पारिवारिक जीवन में खुश हैं। हालांकि जब उन्होंने सिनेमा को छोड़ शादी करने का फैसला किया तो लोगों को लगा कि उनका करियर अब खत्म हो गया है। माधुरी ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब उन्होंने शादी की थी तो सब कुछ जल्दी जल्दी हो गया था, लेकिन जब वापस आने की बात आई तो बहुत से फैक्टर इसमें शामिल थे। यूं ही वापस आने का फैसला नहीं ले लिया गया था। माधुरी ने कहा कि उनके माता पिता चाहते थे कि वह भारत वापस आ जाएं। साथ ही वह अपने बच्चों के बारे में भी सोच रही थी कि वह अभी छोटे छोटे हैं, बड़े होकर शायद वे भारत नहीं आना चाहें। माधुरी ने बताया कि उन्होंने जब डेढ़ इश्क के बारे में सुना तो उन्हें स्क्रिप्ट पसंद आई थी। वह फिल्म के पिछले पार्ट से काफी इम्प्रेस थी। वह चाहती थी कि इस नई फिल्म का हिस्सा बने। मालूम हो कि माधुरी दीक्षित भारत में अपनी डांस एकेडमी चलाती हैं। उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि उन्हें डांस को लेकर जो पैशन था वो उस पैशन को जारी रखना चाहती थी। यही वजह थी कि उन्होंने एकेडमी का सोचा। माधुरी शादी के बाद न सिर्फ भारत लौटी बल्कि उन्होंने एक बार फिर से अपना जादू दर्शकों पर चलाया। उन्होंने सही मायने में दर्शकों को देवदास की तरह दीवाना बना दिया। एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी ऐसी ही और भी कई खबरें सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग खबरों के लिए।